मैं कमरे में गया और जितना खा सकता था खाया। महाराज जी ने फिर कहा, अपने पास बाद में खाने की कुछ और रख ले और भाग जा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक डॉक्टर मुंबई का रहने वाला था। इसने कई अति विशिष्ट व्यक्तियों का उपचार किया था, जिनमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। यह व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत कठोर था, लेकिन इलाज के दौरान यह दूसरों की मालिश भी कर दिया करता था। यह डॉक्टर एक बार महाराज जी के पास गया। उस समय एक स्थानीय भक्त भी उनके पास बैठा हुआ था। उसे देखते ही महाराज जी दूसरे कमरे में चले गए। इससे मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। महाराज जी दूसरे कमरे में से ही चीखे, तू नेहरू को नहीं बचा सका, क्या बात हुई? डॉक्टर ने सफाई दी। जब मैंने उनकी मालिश की तो उनकी हालत में सुधार हुआ, परंतु उनके स्नायु तंत्र बहुत खराब हो चुके थे। इस डॉक्टर ने बाबा के दूसरे भक्त को बताया कि वह 12 महीने तक विदेश में रहकर अति विशिष्ट व्यक्तियों का इलाज कर रहा था। जब उस भक्त ने डॉक्टर से पूछा कि वह महाराज जी को कैसे जानता है, तो उसने बताया, पहले साधु संतों पर मुझे विश्वास नहीं रहा। 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में मैं भी क्रांतिकारी था और मुझे गोली मार देने के आदेश थे। मैं बद्री के पास कर्णप्रयाग में एक छोटी सी धर्मशाला में रहता था। एक बार जब मैं स्नान कर रहा था तो महाराज जी किसी साधु पर बिगड़ रहे थे। मैं भी वहीं पहुंच गया। जब महाराज जी का गुस्सा शांत हुआ तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तू भूखा है, इस कमरे में जा। कमरे में ताजी पूड़ियाँ और सब्जी रखी है, खा ले। मैं कमरे में गया और जितना खा सकता था खाया। महाराज जी ने फिर कहा, अपने पास बाद में खाने की कुछ और रख ले और भाग जा। घंटे भर में ही पुलिस यहाँ आ जाएगी, तू तिब्बत निकल जा, पर इस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। मुझे महाराज जी पर कुछ संदेह हुआ, अतः मैं अपने एक मित्र को महाराज जी के पास छोड़ गया। घंटे भर में ही एक पुलिस अधीक्षक कुछ सिपाहियों के साथ मुझे खोजता हुआ वहां आ गया। वह महाराज जी को भी जानता था। उसने मेरे बारे में महाराज जी से जानकारी चाही। महाराज जी बोले, कौन आएगा इस समय यहां? जब पुलिस वाले तिब्बत जाने लगे तो महाराज जी ने कहा, इस समय तिब्बत जाना खतरे से खाली नहीं है। यह मौसम बर्फ की चट्टान खिसकने का है। अगर तुम लोग इधर जाओगे तो हिम स्खलन से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लौट जाओ, वापस हो लो। और पुलिस पार्टी बैरंग वापस लौट गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।